दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको घुमाने वाले झंडे वाला मंदिर और ये जो मेरा दोस्त है इसकी होने वाली शादी डेट फिक्स है, डेट फिक्स नहीं है मतलब शादी तय हो गई है। तो आगे की तरफ चलते हैं और पूरा झंडे वाला मंदिर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये झंडे वाला मंदिर का इतिहास बताऊँ कि 150 साल लगभग पुराना मंदिर है और आप इसी के साथ हम उस पूरा मंदिर को व्यू दिखाएंगे। और ये बता दो कि एक दिल्ली के व्यापारी थे, उनका यहाँ घूमने की तरफ आते थे, पहाड़ी का एरिया पड़ता है थोड़ा सा आउट में। तो आप पूरा व्यू दिखाते हैं मंदिर का। अब यहाँ पर आगे की तरफ हम जाते हैं तो ये गर्भगृह है और यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं माता रानी। ये जो मंदिर दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए मत्था टेकिए, ये देखिए जय हो माता रानी झंडे वाली की। तो यहाँ पर व्यू बहुत ही प्यारा आता है, माता रानी के दर्शन करके आपको ना अंदर से एक बूस्टर मिलता है जिससे आप अपने काम पे लगते हैं। तो ये पीछे कैमरे से व्यू देखिए, ये देखिए कितना प्यारा व्यू आता है, ये देखिए झंडे वाली माता जी का दर्शन कर लीजिए एक बार। और आप पूरे मंदिर को दिखाता हूँ मैं आपको एक तरीके से। इधर चलेंगे तो यहाँ पर हमको देवी माता और गणपति जी और हनुमान जी और गौ माता, यहाँ पर सभी देवी देवता दिखेंगे स्थापित किए गए हैं। और उसके बगल में शेरावाली माता को भी स्थापित किए गए, दर्शन कर लीजिए। व्यू देखिए, ओवरऑल व्यू बहुत शानदार आता है यहाँ पर, ये देखिए कितना प्यारा व्यू आता है। आपने दर्शन कर लिए होंगे और इधर शेरावाली माता है, उनके दर्शन करा देते हैं आपको। ये गौ माता का मंदिर है, व्यू बहुत प्यारा है। शेरावाली माता का दर्शन कर लीजिए, ये पूरे मंदिर को दिखा देते हैं एक बार व्यू। ये देखिए व्यू पूरे मंदिर का ले लीजिए, झंडे वाला मंदिर कुछ इस तरीके का दिखता है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। दिल्ली के झंडे वाला मंदिर आप प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, सब मनोकामना पूरी होती है। जो भी यहाँ पर दिल से आता है और अपनी मनोकामनाएं मांगता है माता रानी से, वो ज़रूर पूरी करती है। तो दोस्तों आपसे कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ बोलना चाहता हूँ अपनी, ये मैं वो भावनाएं पहुँचाना चाहता हूँ आप तक जो मेरे को यहाँ पर महसूस हो रही है आके। तो यही मेरा काम है, तो मैं आपको यहाँ तक भावना, ये देखिए बच्चे को, बच्चे मौज ले रहा है। तो माता रानी के एक बार और दर्शन करते हैं, फिर थोड़ी सी बात करते हैं। तो मैं आपको अब गर्भ गुफा वाली माता दिखाता हूँ, ये देखिए माता रानी गुफा क्योंकि बंद है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। गुफा भी बंद है फिलहाल में, माता रानी के यहीं से दर्शन कर लीजिए। ये देखिए बंद है, यहाँ पर कैमरा ले चलते हैं इधर फोन, ये देखिए गुफा भी बंद है कुछ टाइम के लिए, जैसे ही खुलेगी अगर हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको दर्शन जरूर कराएंगे। तो दोस्तों आइए मैं बताना चाहता हूँ, दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो है ना जो अभी, ये दूसरा वीडियो है 100 सीरीज का। इसी के साथ ये मैं चैनल माता रानी के आशीर्वाद से इस चैनल पर रेगुलर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। और ये 100 दिन का पहले टारगेट है, माता रानी मेरा वो पूरा कराए तो फिर मैं 100 दिन के बाद 101 वीडियो जो बनेगी वो फिर मैं यहीं पर झंडे वाले मंदिर आके बनाऊँगा। तो दोस्तों आपको आप दिखाते हैं शिव जी जी का मंदिर और उसी के साथ ब्लॉग को एंड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर शिव जी जी को विराजमान किया गया और ये प्यारा सा मंदिर है। तो यहाँ पर इनको दर्शन कर लीजिए, इसी के साथ हम बाहर की तरफ निकलते हैं। भोलेनाथ
की जय हो, तो भोले बाबा की जय हो। हम भले तो यहाँ पर जय माता जी लिखा हुआ है। मंदिर का पूरा परिसर इस प्रकार है। यहाँ से पहाड़ की तरफ निकलेंगे तो आपको प्रसाद मिलेगा, तो प्रसाद लेके हम बाहर